नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल में यकीनन सड़कों को सुदृढ़ करने का काम बेहतरीन ढंग से किया है। यही कारण भी है कि बिहार में अगर आप आएंगे तो आपको सड़कों का जाल देखने को मिल जाएगा, जिससे बिहार वासियों के आगमन की सुविधा भी देखने लायक है और बिहार में उद्योग के नए रास्ते भी खुलने लगे हैं। हालांकि आने वाले सालों में बिहार में और भी ज्यादा सड़कें देखने को मिलने वाली है, जिसके निर्माण का काम बिहार में जोर शोर से हो रहा है। वहीं इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार राज्य में इस साल बिहार को कुल मिलाकर 2 स्टेट हाईवे और 1 नेशनल हाईवे मिलने वाला है। रून्नी सैदपुर से भिसवा स्टेट हाईवे 87, कादरगंज से खैरा स्टेट हाईवे 82 सहित गया से बिहार शरीफ NH 82 पर दिसंबर 2022 से आवागमन शुरू होने की संभावना है। इससे सीतामढ़ी, शिवहर, नवादा, जमुई, गया और नालंदा जिले के लोगों को यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। तीनों सड़कों का करीब 234 किलोमीटर लंबाई में करीब 3212 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर से सुरसंड होते हुए भारत नेपाल सीमा के पास भिसवा को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 87 का निर्माण मार्च 2021 में ही पूरा करने की समय सीमा तय की गई थी। चूंकि पिछले 2 सालों से बिहार में कोरोना की मार है, ऐसे में कोरोना सहित अन्य वजहों से इसे पूरा करने में भी काफी देरी हुई है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि 67 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के निर्माण में कुल 591 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इस हाईवे के बन जाने से सीता माता के जन्म स्थान नेपाल के जनकपुर जाने में आसानी होगी। साथ ही सीतामढ़ी, शिवहर जिले के इन पिछड़े इलाकों में आवागमन काफी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही NH 82 की चौड़ाई बढ़ाकर उसे 4 लेन बनाया जा रहा है। ये सड़क गया, हिसवा, राजगीर, नालंदा से बिहार शरीफ तक जाती है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क की लंबाई करीब 92.93 किलोमीटर है और इसे बनाने की अनुमानित लागत करीब 2138 करोड़ रुपए है। फिलहाल गया से बिहार शरीफ जाने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। अब नई 4 लेन सड़क बनने के बाद ये सफर करीब 2 घंटे 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। ऐसे में करीब 1.5 घंटे की बचत होगी। इस सड़क का निर्माण 2018 में पूरा होने की समय सीमा भी तय की गई थी, लेकिन पहले तो जमीन अधिग्रहण और फिर कोरोना संकट की वजह से इसके निर्माण में काफी देरी हुई है। स्टेट हाईवे संख्या 82 के अंतर्गत करीब 75 किलोमीटर लंबाई में नवादा जिले के कादरगंज और जमुई जिले के खैरा में सड़क का 3 पैकेज में निर्माण करवाया जा रहा है। इसे 2020 में ही पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कोरोना सहित अन्य वजहों से इसमें विलम्ब हुआ। अब इसे दिसंबर 2022 में पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। इस सड़क के बनने से मध्य बिहार में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी, साथ ही विकास योजनाओं को सुदूरवर्ती गांव तक पहुंचाने में भी काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।